हैपनिंग। और वे खुद गवर्नर साहब ने अपने मैसेज में कहा है जो ये मैं करता हूं, पहले तो खैर वो बहुत लंबा मैसेज है, बहुत मेहनत की थी, 6-7 सफे लिखे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के गलत, और मैं बताऊंगा, आई वुड नीड टू टेल यू इन डिटेल्स हियर। जो मैं अभी जिक्र किया, कहते हैं द चांसलर्स ऑफिस हैज कंप्लीटली डन अवे विद ट्रेडिशनल एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरियनेस एंड हैज नॉट मेड अ सिंगल अपॉइंटमेंट। मतलब पहले ये होता था क्या? यू डू अवे विद समथिंग विच वॉज हैपनिंग, सो द चांसलर्स ऑफिस वॉज डूइंग समथिंग लाइक दिस। नाउ वाई डू यू वॉन्ट दीज पावर्स? First of all, you are not answerable to anyone. The governor is not answerable to this assembly. I am answerable to this assembly. इस वजह से ये changes की थी। खैर गवर्नर साहब ने आगे कहते हैं, आगे लिखते हैं कि जी even being, कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर के पास पहली बहुत पावर है, तो चीफ मिनिस्टर के पावर खुद नहीं है, यह हाउस देता है, यह असेंबली देती है चीफ मिनिस्टर को पावर। Even being on the weaker side of the equation, ये मुझे बड़ी हैरत हुई, गवर्नर साहब इज नॉट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में वो ही डज नॉट फिगर, ही ओनली डज व्हाट आई एज द चीफ मिनिस्टर ऑन द गाइडेंस ऑफ द असेंबली टेल्स हिम टू डू। इट इज वेरी क्लियर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। कैमिलिशा साहब बैठे, आई रिक्वेस्ट कि वो भी थोड़ा सा अगर हमें इस पर बताएं कि गवर्नर का रोल क्या होता है। आर्टिकल 105 इज वेरी वेरी क्लियर जो गवर्नर के पावर्स है। देर सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पाबंदी है कि गवर्नर को हम कुछ रिपोर्ट्स भेजते हैं, वो सब हम भेजते हैं जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो सर ही डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग रॉन्ग। इसलिए मैंने आज रिक्वेस्ट की सारे वाइस चांसलर्स भी इधर हैं, फपूसा के भी नुमाइंदे इधर हैं, जो चेंजेस उन्होंने मांगी थी। इधर सर गवर्नर साहब ने कोट किया कि जी ये आप चेंज करेंगे तो बड़ा कयामत आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होगा। उन्होंने कहा खास तौर पर उन्होंने आर्टिकल 22 और 25 ए का जिक्र किया, आप देख लेंगे पहले पेज पे। सर आर्टिकल 22 में पढ़ देता हूं, जो हमने इस कानून में कहां इस चीज को टच किया। आर्टिकल 22 कहता है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी और अटेंड रिलीजियस वॉरशिप If such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own, हमने कहीं इस कानून में ये किया है क्या? हम आइन की हम शायद पहले होता रहा हो, ये करते रहे हो, मुझे नहीं पता, हमने ऐसी कोई चीज नहीं की। आगे कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन द ग्रांटिंग ऑफ एग्जेम्पशन और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन, कोई ऐसी चीज नहीं की। फिर थर्ड पार्ट इज सब्जेक्ट टू लॉ No religious community or denomination shall be prevented from providing religious instructions for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination. And B, no citizen shall be denied admission to any educational institution receiving aid from public revenues on the ground only of race, religion, caste or place of birth. ऐसी कोई चीज कानून में हमने नहीं की है। Nothing in this article shall prevent any public authority from making provisions for the advancement of any socially or educationally backward class of citizen. हमने कोई इनराफ नहीं किया। दूसरा उन्होंने कहा जी 25A, अगर this was funny, the 25A is even funnier. 25A 18वीं तरमीम के बाद आया था और उसमें क्या है जी, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. Sir, first of all, the state is defined as the 4 provinces, Fata, jo aapki baki territories and Islamabad capital territory. So it is the responsibility of the state to do it. Aur kya hai, 5 saal se 16 saal. And there may be exceptional cases, par mujhe bataye university mein 16 saal ka koi bachcha jata hai kya? There might be some exceptional case, bahut hi hote hain bright bachche jo यंग एज में चले जाते हैं, तो ये रेलिवेंट कैसे है? यू नो ही इज गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर यू नो टेलिंग द असेंबली व्हाट टू डू। आगे जाके उन्होंने कहा कि जी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के कुछ हैं चीजें एजुकेशन के बारे में, एंट्री 15, लाइब्रेरीज म्यूजियम्स एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल्ड बाय और फाइनेंस बाय द फेडरेशन। हमने किसी तरीके से किसी भी फेडरल इंस्टीट्यूशन का जिक्र हमारे कानून में नहीं है, ना पहले था ना अब है।
federal agencies and institutions for the following purpose, that is to say, for research or professional training, technical training or promotion of special studies. Federal agencies ko ijazat hai universities kholne ki, they are not bound by our law. Aur chief minister ko ye functions dene ki wajah se koi farak nahi aa jayega. Jab main ye padhta rahunga sara international treaties, conventions and agreements, humne kaha bhai kisi international treaty ke bare mein idhar baat ki hai, and how does the governor involve himself? Education in respect of Pakistani students in foreign countries, humne kahin pe bhi yahan us cheez ko touch nahi kiya hai. So sir, to summarize baki jo sari cheeze thi, ek inhone kaha ji, the amendments vest arbitrary powers, that the vice chancellors are here in their presence, and I have also spoken to them. Kya tha ki ji, vice chancellor aapne appoint kar diya 4 saal ke liye, there was no way in the law, there was nothing there to remove. You can remove the Prime Minister, you can remove the Chief Minister, you can remove the Chief Justice of Pakistan. There's a method for doing this. But you could not remove the Vice Chancellor. So we have put it in there, and we have said that if the reasons given, the standard, and we have said after substantiated allegations of certain things, if they have happened, then we can remove them after that. And that is also after issuing a show cause and giving him a cause to explain his position. Chief Minister remove kar sakte hain. Ye main keh raha hu, jab aap Chief Justice of Pakistan ko remove kar sakte hain, Prime Minister, President ko aap impeach kar sakte hain. Vice Chancellor ka koi tarika kar nahi tha, ye wo dala gaya iske andar. To sir, isme humne primarily jo, aur kya universities hamari bahut achhi chal rahi thi in the last few years, khud hi unhone likha hai, last 10-15 years behtri, abhi Sindh government ne nayi universities kholi hain. We have started giving money, isliye ke federal government ne wo paise kam kar diye hain. Hum 5 arab rupaye har saal universities ko dete hain, jab zarurat hoti hai unko, jahan jis ko zyada zarurat hai thoda analyze karke uske liye bhi ek committee banai hai proper, jiske andar bade renowned log hai, wo hame advise karte hain ki kya paise dene. Arbitrarily hum kisi ko nahi dete. Ye do char jo ऑब्जर्वेशंस पप्पूसा की थी, हमने वो एक्सेप्ट कर ली हैं. हमने फाइनेंस सेक्रेटरी, मेरा तो ये ख्याल था फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, तो वाइस चांसलर जब सिंडिकेट को हेड करेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी से कोई बात मनवा लेगा तो ज़्यादा आसान होगा. हुकूमत को से वो फाइनेंस सेक्रेटरी वुड हैव कमिटेड समथिंग, बट वो चाहते थे कि फाइनेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन PND ना, हमने निकाल दिया. दिस वॉज फॉर दी, इन माई ओपिनियन दिस वॉज टू स्ट्रेंथन द सिंडिकेट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, आप हुकूमत के लोग निकाल दें. एक इशू था एडमिशन पॉलिसी का, हमने वो भी कहा चले जी यूनिवर्सिटी बनाए, बट गाइडलाइंस हैव टू बी इशूड बाय द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट. द कैबिनेट वुड डिस्कस द गाइडलाइंस, एंड द कैबिनेट वुड नॉट सिट डाउन एंड जस्ट फ्रेम द गाइडलाइंस आर्बिट्रेरली. कैबिनेट से पहले हम जरूर कोई एक सीनियर कमेटी, और हमने वो सोचा भी था सीनियर कमेटी बनाएंगे जो गाइडलाइंस क्यों देने चाहिए हुकूमत को. सर वी, आई डोंट नो द नंबर्स, लेट्स से वी हैव गॉट 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन द प्रोविंस. जिन इलाकों में नहीं है उन इलाके को लोगों को भी कहीं पढ़ दें ना, वो जनरल गाइडलाइंस तो हमने देने होंगे कि जी आप कहाँ से कितने लोग ले, बाकी कितनी सीट्स, इसलिए कि वो यूनिवर्सिटी समझ सकती है कि कितने लोग वो एकोमोडेट कर सकते हैं. दैट दे हैव टू डू, कि ये उन्होंने 100 नए स्टूडेंट लेने या 1000 नए स्टूडेंट लेने, किस टेक्नोलॉजी में लेने, वो भी वो करेंगे डिटर्मन. हाँ, जनरल गाइडलाइंस फॉर द इंटायर प्रोविंस हमने देने, इसलिए कि वो तो जो खुद कोट किया है गवर्नर साहब ने आर्टिकल 37C, द स्टेट शैल, स्टेट में हम इन, स्टेट डज नॉट मीन स्टेट, द प्रोविंसेस आर पार्ट ऑफ द स्टेट. द स्टेट शैल मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हाई एजुकेशन इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. सिर्फ एक रीजन के लोग ना हो जाए, हमने सबके लिए करना है. दिस इज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव टू डू. दैट्स व्हाई द गाइडलाइंस हैव टू बी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, एंड द एडमिशन पॉलिसी विच विल बी फ्रेम्ड by the syndicate will be under those guidelines, will to wo guidelines diye jati. Baki wo admission policy, testing services kaise karni, unhone kis technology mein, jaise maine bataya kitne log lene, wo sab unka kaam hai. Aur hum universities ko zyada independent karna chahte hain, aur uske sath sath accountabilities house ko dena chahte hain universities ki, kisi aur ko nahi dena chahte. So these were the reasons. Jo 7-8 safhe ka note governor sahab ne diya hai, वो सारा अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग, सारों के पास है. अगर किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ है, और
The government is ready to listen to the opposition. अगर समझते हैं कि कोई चीज कहीं गलत है, हम बिल्कुल उसको address करेंगे. But एक collective thinking of the cabinet and then of the provincial assembly is always better than a single person appointed by the federation. जो के ये जलाए. The chief minister, जैसे मैंने कहा, is answerable to the cabinet. He leads the cabinet. He is answerable to this assembly. The assembly elects him. The public accounts committee is of the assembly, and the secretary of universities of board is the principal accounting officer who is to appear, and he reports to the chief minister. So, ये चीजें जो हैं जरूरी हैं, और उसी के तहत मैं answerable होता हूँ public accounts committee को भी और इस assembly को. तो ये सारी चीजें, बाकी जो मैंने बताया कुछ changes जो हमने discuss की थी with teachers association with some vice chancellors, और उन्होंने कहा नहीं ये आपने गलती की, हम अभी भी इसके बाद भी if there has to be an amendment has to be made, it will be made. But this jo dichotomy ek thi usko humne zarur hatana hai. The vice chancellor is there as the governor is a ceremonial post. The vice chancellor is a ceremonial post, sorry, the chancellor is a ceremonial post, and that one has to sort of understand. Wo samjhne mein der hogi ki taqat is assembly ki hai. ताकत फेडरेशन नहीं डाल सकती इस असेंबली के ऊपर. जो असेंबली लॉ पास करेगी वो ही कानून होगा, और वो कानून, हाँ, एक बंदिश हमारे पास है कि इस आईन के तहत कानून बनाना है. किसी एक शख्स को ताकतवर बनाने के लिए कानून नहीं बनाना हमने. ये था, और मेरा ख्याल है कि इसके बाद हम ज्यादा इफेक्टिवली, बिकॉज हमने यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स का अलग डिपार्टमेंट बनाया, सिंध हाई एजुकेशन कमीशन बनाई है. वी आर गोइंग टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर, और खासतौर पर हाई एजुकेशन में ये बहुत जरूरी थी ये लॉ कमेंट करना. मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि विद दीज माइनर अमेंडमेंट्स हम दोबारा इसको बिल को पास कर दें. बातें हैं, देखिए बुनियादी चीज इसमें, एक तो देखें चार लॉज आप लाए हैं, एक दो तीन चार, इसमें दो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. Private universities are, we are not concerned with private universities. आप वाइस चांसलर चांसलर जिसको चाहें रखते हैं, और वो हम अलाउ करते हैं हमारे जिसको भी हमने चार्टर दिया है. सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है. सर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस. उनकी ऑटोनॉमी, आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में कहीं जाएं, वो खुद मुख्तार इदारे होते हैं. और वंस हमारे यहां अगर आपने वाइस चांसलर को अपॉइंट कर दिया, सिलेक्शन कमेटी बहुत अच्छा है बना दी, वंस यू हैव अपॉइंटेड द वाइस चांसलर, फिर आप छोड़ दें उस पर. वो एक ऐसा मुकद्दस इदारा है जहां पर अगर आपने एक अच्छे वाइस चांसलर, अच्छे आदमी को वाइस चांसलर बनाया है, तो वहां मैं नहीं समझता कि कोई चीज गलत होगी. फिर आप ये देखें कि 1972 में भुट्टो साहब ने ऑर्डिनेंस लाए सिंध, उस वक्त सिंध यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी, वो उस पर अप्लाई किया, उन्हें बिल्कुल ऑटोनॉमस बॉडी बनाया, खुद मुख्तार इदारे बनाए. आप उसको भी अमेंड कर रहे हैं. गवर्नर ठीक है, सारी दुनिया में नहीं होता गवर्नर, यहां था ट्रेडिशनली ना रखे, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा गवर्नर की जगह, लेकिन वो सारी पावर्स जो हैं वही रहनी चाहिए. वो वाइस चांसलर्स के पास रहनी चाहिए. वो ना एडमिशन पॉलिसी में हमें इंटरफेयर करना चाहिए, ना उनके अपॉइंटमेंट्स में, ना उनकी एक्सटेंड. एक दफे आपने चार साल के रख दिया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल. अगर जुडिशियल काउंसिल हो सकती है तो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी काउंसिल भी हो सकती है. अगर कोई कंप्लेंट चीफ जस्टिस के खिलाफ आती है तो जुडिशियल काउंसिल में जाती है. आप वो बना दें कि इनके खिलाफ कोई आए, वो दे कैन बी रिमूव. वो पावर्स, वो प्रोसीजर हो सकता है. वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि चार साल ही रहेंगे अगर कोई बदनवानी होती है या कोई होती है. तो बहुत सी चीजें हैं, इसे अच्छी तरह से सोचें. तमाम वाइस चांसलर्स यहां आके बैठे हैं, इन्होंने एजुटेशन भी किया, ये रिप्रेजेंटेशन भी किया है. बजाय इसके कि यहां हम आर्गू करके एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करें, यह मकसद नहीं है. देखें ये इदारे हैं, इनको हमें इदारों को खुद मुख्तार इदारे बनाने चाहिए, बशर्ते कि वो सही इदारे हों और चलें. इसलिए मेरी अर्ज ये है कि इस पर अच्छी तरह पब्लिक यूनिवर्सिटीज पे गौर. गवर्नर के बजाय चीफ मिनिस्टर आता है, बिल्कुल ठीक है, देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है.
ہی آلویز گوز بائی دی ایڈوائز آف دی چیف منسٹر, تو وہ تو ٹھیک ہے, اس میں گورنر کو کوئی پاور نہیں, از دی ریپرزینٹیو آف فیڈرل گورنمنٹ. لیکن اور چیزیں جو ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ذرا اس پہ اور غور کر. شکریہ جناب اسپیکر. اب سر اپوزیشن کا یہاں مقصد قطعاً مخالفت برائے مخالفت نہیں, حکومت کے بہت سارے قوانین بہت سارے اقدامات ایسے تھے کہ جنہیں ہم نے اگر مناسب سمجھا کہ واقعتاً درست سمت کے لیے ہیں تو ہم نے سپورٹ بھی کی ہے. آئی کین کوٹ سیورل ایگزامپلز ہے. لیکن سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وزیر اعلیٰ صاحب یا سابق وزیر اعلیٰ صاحب کی تمام عزت کو برقرار رکھتے ہوئے معذرت کے ساتھ, جو 10 سالہ حکومتی کارکردگی بالخصوص تعلیم کے شعبے میں, جو کہ اسکولوں کی کالجوں کی تعلیم کے شعبے میں ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی سندھ اور تعلیم دوست شخص جامعات یونیورسٹیز بالخصوص پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو غریب کے بچے کو تعلیم دینے کے لیے ہیں, امیر کا اور نسبتاً آسودہ حال طبقے کا بچہ تو پیسے خرچ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے, کرتا ہے, لیکن ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا بھی کیا ہم وہی حال کر دینا چاہ رہے ہیں حکومت سندھ کے زیر دست ہوتے ہوئے؟ حکومت سندھ کو ہر چیز میں you have to be guardian, you have to be protector of the very system instead of acting like a usurper. حکومت سندھ کے پاس اس اسمبلی کے توسط سے تمام اختیارات ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے, لیکن جہاں چیزیں نسبتاً بہتر ہوں ان کو آپ تنزلی کی جانب لے جائیں, اس کو آپ انحطاط پذیر کریں, یہ کہاں کی سندھ دوستی ہے؟ یہ کہاں کی تعلیم دوستی ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں فرمایا, اور پہلے بھی تھا, پہلے تو 3 جامعات کی ایڈمیشن پالیسی کے حوالے سے آیا تھا, بعد میں احتجاج ہوا, حکومت سندھ نے کہا کہ نہیں تمام جامعات کی کم و بیش 23 اداروں کی ہم تعلیمی جو اکیڈمک کاؤنسل کے بغیر ہم ان کی ایڈمیشن پالیسی بنائیں گے. سر پبلک سیکٹر یونیورسٹی بنانا صوبائی حکومت کے پاس اختیار بھی ہے اور پیسے بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہاں یہ گونج بھی سنی اسی صوبائی حکومت کے, مقصد پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے وزیر تعلیم صاحب کی جانب سے ایک دفعہ آئی تھی کہ جناب حیدرآباد میں یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹی عوام کے پیسے سے, ٹیکس پیئرز کے پیسے سے, حیدرآباد کے باسیوں کے پیسے سے کہا کہ نہیں میری ڈیڈ باڈی پر بنے گی. یہ ہے اعلیٰ تعلیم دوستی کی مثال ہمارے سامنے رہی, لیکن بنائی جانی چاہیے اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, وائی ناٹ دادو میں کیوں نہیں, خیرپور میں مزید کیوں نہیں, گھوٹکی میں کیوں نہیں, جہاں جہاں ضرورت ہے, وسائل ہیں, طلب ہے, وہاں پر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بنائی جائیں. لیکن سر ساتھ ہی ساتھ جو اسکولوں کے اور کالجوں کے آج کل امتحانات ہو رہے ہیں, وہاں جو چیٹنگ کا بازار ہے, یہ ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے, کراچی میں کم ہو گئی ہے چیٹنگ, اس کے بہت سارے محرکات ہوں گے اور اچھی باتیں ختم کر دی جائے, لیکن جو بازار بعض چھوٹے شہروں میں ہمارے ہی سندھ کے کھلا ہوا ہے اور کھلا رہتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر یہاں محنت کرتا ہوا بچہ کہتا ہے بمشکل میں 60% امتحان میں مارکس لے کر آتا ہوں, اور کہیں چیٹنگ کی بنیاد کے اوپر گھر پر اپنا پرچہ پاس کر کے یا 4 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے ٹی وی کیمرہ چل رہا ہے کسی کو فکر نہیں ہے, اور وہ 90% ریزلٹ لے کر آ جاتا ہے, کیونکہ ہمارا جو بدقسمتی سے امتحانی سسٹم ہے. تھوڑا سا شارٹ کر لیں, بیکاز سر جو آپ کہہ رہے ہیں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وذ دی گورنرز ریکمنڈیشن. آئی ڈیڈ ناٹ گیٹ یو سر, پارڈن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گورنر نے ریکمنڈیشن بھیجی ہیں کہ اس کو پھر سے کنسیڈر کریں, یو آر ٹاکنگ آن دی جنرل جو آپ کا ویو دے رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر, یونیورسٹی کے اوپر. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈو یو ایگری وتھ دی گورنر اور یو ایگری وتھ واٹ دی آنریبل چیف منسٹر سیڈ؟ سر آئی مائٹ ناٹ ایگری ان ٹوٹیلٹی وتھ دا گورنر, بٹ آئی
But I am of the view, sir, jitne bhi bill pass hote hain, it is with the consent of the House, majority ho ya whatever you may say, but it is consent of the House, and House usko consent deke bill pass karti hai. With due respect, sir, it has to be collective wisdom instead of majority wisdom. But if I may finish here, sir, main sir, main. So, मेरे मतलब कहने का ये है कि if you have read the governor's contentions, if you read that, sir, you can discuss on that. But if you are going into a general discussion, that is a separate issue. I'm not trying to. That we can do it later also. But right now we are considering what governor has sent us back. Sir, मैं अपना argument. We are discussing that. Sir, I'm just concluding my argument, sir. My argument was कि आप नई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बनाइए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहते हुए भी नहीं ना कहते हुए भी कहा, और जो फियर है कराची शहर के, हैदराबाद शहर के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के बच्चों का, कि इतनी बड़ी आबादी, हमारी तो आधी आबादी गिनी ही नहीं गई सेंसस में, इतनी बड़ी आबादी उसके बच्चों के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ना होने के बराबर है, और उसमें भी अगर एडमिशन पॉलिसी का इख्तियार एकेडमिक काउंसिल से लेकर सिंध हुकूमत अपने पास रख ले, वजीर आला साहब ने इसी शहर की जामिया से तालीम हासिल की है, यहां मुझ समेत हमारे बहुत सारे बैठे हैं जिन्होंने इसी शहर की जामिया से तालीम हासिल की है, असबियत नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नीड बेसिस के ऊपर एडमिशन पॉलिसी है, खुदारा उसको हर्ट ना करें, ये चीटिंग सिस्टम से पता नहीं क्या क्या, बजाय इसके करना ये चाहिए सिंध असेंबली कमेटीज बनाए, हम जाएं एज एमपीए सिंध के हर दूर दराज कस्बे में चीटिंग को रोकने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है सिंध हुकूमत यह चाहती है आईन की बुनियाद के ऊपर कि विफाक से तो हम सारा इख्तियार ले लें, मिसाल नेशनल फाइनेंस कमीशन की है, हम कहते थे कि जनाब सूबे को फंड्स दें ज्यादा क्योंकि हम रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करते हैं और एनएफसी होना चाहिए, लेकिन सर माजरत के साथ इसी कानून और आइन के तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी है, मोहतरम वजीर आला साहब ने 11 नवंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूट किया, 5 जून 2017 को इकलौती मीटिंग बुलाई, आज हम यहां 12 अप्रैल 2018 को खड़े हैं, यहां पर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 2007 का चला रहा है, हर चीज में मुशर्रफ बुरे लगते हैं लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वही का वही है, इसके माने क्या हैं? माने ये हैं कि हम आईन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जहां हमें सूट करे, 18th अमेंडमेंट बिल्कुल उसमें अच्छाइयां हैं, लेकिन वो अच्छाइयां ट्रांसफर होनी थी डिस्ट्रिक्ट को, सिटीज को, गांव को, कस्बे को, तहसील को, सूबा करे ये कहे कि विफाक हमारे हुकूक गश्त करके बैठ गया इसलिए खुद मुख्तारी दो, और जो विफाक 18वीं तरमीम करके सूबे को दे दे तो सूबा शहरों को जिलों को कोई इख्तियार ना दे। सर अगर ये रहेगा अमल तो फिर सबको हमारी नियत के ऊपर शक होगा, इस असेंबली के तहत वो चीज जानी चाहिए जो कराची से कश्मीर तक के बच्चों के लिए बेहतर हो, हम ये समझते हैं कि इसको दोबारा देखा जाए, इस सूरत में हम नहीं मंजूर कर सकते कि जब आप सिंडिकेट में मेजॉरिटी वहां के इलेक्टेड लोग अरेस्ट नहीं किया गया है, कभी कहा जा रहा था कि उसको रिलीज दिया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि उसको रिमांड पेश नहीं किया जा रहा, तो दो तीन चीजें मैं बड़ा वाजह कर दूं कि जैसे ये वाकया हुआ उसी वक्त मुझे पता चला, रात को तकरीबन उस वाकये के 2 घंटे बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और सुबह को एफआईआर हो गई, उसी वक्त एफआईआर भी रात को ही बल्कि देर से हो गई थी, और जैसे जैसे कंप्लेनेंट उस मकतूला के हस्बैंड ने जो एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट कहे वो एज इट इज हमने किए, कहीं पे भी कोई सपोर्ट या कहीं पे भी कोई पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं था, रात को किसी ने कह दिया कि एरियल फायरिंग की जो है एफआईआर में बात की गई, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पे भी किसी को सपोर्ट नहीं की जा रही, मुकम्मल तौर पर एक इंडिपेंडेंट पुलिस जो है वहाँ पे उस मर्डर के खिलाफ जो जिसने कत्ल किया है उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एटीए के सेक्शन भी डाले जाएं ताकि मुल्ज़िम को कहीं से भी रिलीफ ना मिल सके। सो ये दो चंद बातें थी जो मैं क्लियर करना चाहता था मीडिया में कि ये जो बाजगश्त की जा रही है या एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि उसको रिलीफ दिया जा रहा है या अरेस्ट नहीं है या कोई उसको सपोर्ट की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है,
वहाँ पे कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं की जा रही। अच्छा देखिए, ये वाकया तो लाजमी उस वक्त हुआ जब किसी के पास हथियार था, तो आप एज ए वजीर दाखिला सिंध इस बात को इंश्योर बनाएं कि जहाँ पे इस तरह की शादियाँ हों तो कम से कम लोगों के पास हथियार तो हो, क्योंकि हथियार होगा नशे में टन होगा चलेगा तो सही। हमने 144 का लगा दिया था सेक्शन, कहीं पे भी डिस्प्ले ऑफ वेपन थ्रू आउट सिंध में अलो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे अगर ऐसी चीज होती है तो उस कोताही की वजह से एसएचओ को दो बातों पे हमने सस्पेंड, वो जो कंसर्न एसएचओ है उसको भी सस्पेंड कर दिया। एक तो वहाँ पे उसके हस्बैंड ने, मकतूला के हस्बैंड ने ये किया कि कहा कि एसएचओ के खिलाफ कंप्लेंट की कि इसका जो सलूक था हमारे साथ बेहतर नहीं था, तो हमने एसएचओ के खिलाफ भी एक्शन लिया है और डेफिनेटली इस चीज़ को भी मेक श्योर करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसी कोई तकरीब हो रही हो तो वहाँ पे डिस्प्ले ऑफ वेपन पहले ही ऑलरेडी बैंड है, अगर अब कोई वेपन उठा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये बता दें ऐसी जाती दुश्मनी इसमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि टेररिज्म के एक, जैसे मैंने पहले कहा था कि उसके एड करेंगे ताकि एक जो दहशत एक खौफ हो, अवाम में खौफ और हिरास फैलाया गया इस वाक्य के बाद, एक बेगुनाह औरत जो प्रेग्नेंट भी थी उसको इस तरीके से मारा गया, तो डेफिनेटली ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि उसको कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले। और मैं एज ए होम मिनिस्टर, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से आपको अश्योरेंस दिलाता हूँ कि मेरी पार्टी की लीडरशिप, मैं एज ए होम मिनिस्टर, सीएम साहब, सब हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि इसको सख्त से सख्त सजा। गुज़श्ता रोज़ दादू में 12 साल बच्चे को कत्ल कर दिया गया आजादी के बाद, अब तक उस वाक्य की एफआईआर दर्ज नहीं हुई और कोई मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। पंजाब में कुछ होता है तो चेयरमैन साहब भी ट्वीट कर लेते हैं, तो हुकूमत भी तनकीद करती है, अपने सूबे में हो रहा है क्या कहें? नहीं, उस मामले की भी मुझे पता है, दो शख्स जो है वो शक की बुनियाद पे जेर हिरासत है, उसकी हम कंफर्म कर रहे हैं, उसकी तफ्तीश जारी है। जैसे ही उस वो भी वाकया हुआ वो मेरी नॉलेज में, हमने मुकम्मल कोशिश, क्योंकि रात को बच्चा जैसे गुम हुआ तो सुबह को उसकी लाश मिली, उसकी तस्दीक हुई है कि उसके साथ ये रेप हुआ था और उसके बाद उसका गला दबा के उसको मर्डर किया गया। तो हम जो है उसके ऊपर भी हैं, ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ हमसे छुपी है, हर मामला को हम माइन्यूटली चेक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो इस गंदे अमल में मुलव्वस है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो एक नून लीग के जो अब प्रेसिडेंट हैं वो कहते थे कि मेरे नाम बदल दीजिएगा अगर 6 महीने में मैंने लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की, अब तो 5 साल ख़त्म हो गए, अब उसके हिसाब से कितने नाम बदले जाएं वो आप मीडिया वालों को दोस्तों को कहते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ना अहल नाकाम लीग हर फेज में, सिर्फ बिजली के मसले में क्यों, आप एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, आप इंटरनेशनली लेवल पे देख लें कि कितना मुल्क की कर्जा जो है उसका हजम बढ़ गया है, तो ये उनकी नाअहल नाकाम लीग सिर्फ इदारों में तसादुम कराने के अलावा और कुछ नहीं जानती। हम सब ने, मेरी पार्टी लीडरशिप ने तय कर रखा है कि हम जमहूरियत का साथ देंगे, इस इदारों को मुस्तहकम करेंगे, पाकिस्तान के जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनको मुस्तहकम करेंगे और जमहूरी अमल को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे कि जो हुकूमत चेंज करने का जो अख्तियार है वो सिर्फ वोट के थ्रू होना चाहिए, और इस चीज़ को हम पेश नज़र, 2018 इलेक्शन का ईयर है, हम उसमें जा रहे हैं। सिंध भर में गुटखे पर पाबंदी जो आज कर दी है, मगर अब भी जो है कराची समेत सिंध भर में गुटखा फरोख हो रहा है और उसमें कुछ अनुमति मिल रही है, कुछ एहलकार पुलिस के भी हैं, तो क्या कैसे इसकी रोकथाम करेंगे? वो SHO जिसके गालबन आप बात कर रहे हैं वो सस्पेंड हो चुका है। एक कल सोशल मीडिया पे एक ग्रुप से बात चली कि एक मेरी पार्टी के किसी लोकल लीडर के हवाले से कि उसकी गुटखा फैक्ट्री है, तो मैंने रात दिया है जी इस गुटखा लाड़े को, उसकी भी इंक्वायरी दी है। आप यकीन रखें कि जो भी इस काम में किसी भी गैरकानूनी काम में मुलव्वस होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।